हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने लीव किया था लास्ट वीडियो में। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीलिम्स का 2022 का पेपर जो 5 जून को हुआ था, उसका क्वेश्चन वाइज हम लोग एनालिसिस करके देख रहे हैं कि किस सब्जेक्ट से था, किस थीम से था, कॉन्सेप्चुअल था, फैक्चुअल था, या किस टाइप का क्वेश्चन था, ईजी था, डिफिकल्ट था, या किसी किसी जगह हम लोग आंसर भी डिस्कस कर रहे हैं, किसी किसी जगह कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइप से वी आर गोइंग अबाउट दिस एनालिसिस फॉर योर, ताकि आप समझ पाओ किस तरह से पेपर में हम लोग को किस किस पहलू से देखना होता है। ये जस्ट एक तरीका है, एक मेथड है पेपर को देखने का। इसमें हम लोग आंसर पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, विल ट्राई टू जस्ट सी कि किस टाइप का क्वेश्चन है एंड हाउ शुड वी थिंक अबाउट इट कभी किसी किसी जगह पे। ठीक है ना, तो ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है, ये आप लोग चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट जहाँ हम लोग को स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 35 से। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग क्यूबिट के बारे में, फर्स्ट क्वेश्चन क्यूबिट के बारे में। क्यूबिट अब क्या है? क्यूबिट इज लाइक क्वांटम टेक्नोलॉजी का बात होता है, क्वांटम बिट बोलते हैं। ये मुझे पता था ये क्वांटम टेक्नोलॉजी रिलेटेड, आंसर बी है। ठीक है, और ये क्या है? साइंस एंड टेक का सवाल है, फैक्चुअल सवाल, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 36 क्या? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर सवाल है, इसमें क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रिक्वेंसी, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का पूछा। शॉर्ट रेंज डिवाइसेज कौन से हैं? अब शॉर्ट रेंज डिवाइस में जैसे आपको याद होगा, आपका जो होटल, किसी होटल में आप गए होंगे तो आप कुछ कार्ड दरवाजे पर दिखाते हो दरवाजे के करीब, तब वो गेट खुल जाता है, अनलॉक हो जाता है। तो वैसे टेक्नोलॉजी जो कि एकदम क्लोज में आके काम करते हैं उनको शॉर्ट रेंज डिवाइसेस कहते हैं। तो आप इसमें चूज कर लिए। RFID क्या होता है? जो बुक में आपने कभी लाइब्रेरी में गया होगा, ऐसा कोई लाइब्रेरी आपने देखा होगा जहाँ पे आपके बुक्स पे टैग लगे होते हैं। ठीक है, या फिर फास्ट टैग जो आपने सुना होगा, फास्ट टैग जो गाड़ियों में लगता है जिससे वो डायरेक्ट टोल कट जाता है, तो ये सब जो होता है RFID का, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक, ID को RFID बोलते हैं, वो फास्ट टैग उसी से बनता है। ठीक है, तो आप उससे अब ये कॉन्सेप्ट जान लीजिए अगर नहीं पता तो, और उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस साइंस एंड टेक का सवाल फैक्चुअल एंड आई क्लासीफाई दम इजी बट टू एन एक्सटेंड टू मीडियम। ठीक है ना, इजी की तो चैलेंज ब्रांड है। 36 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन बायोफिल्म्स के ऊपर है, उसके बारे में कुछ जानकारी दी। अगर बायोफिल्म्स आपको पता है तो क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा, नहीं पता तो डिफिकल्ट हो जाएगा। इसमें थर्ड शेड में थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तो दिस क्वेश्चन इज ईजी, आई विल क्लासीफाई दम ईजी टू मीडियम, बट थोड़ा मीडियम की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। तो साइंस एंड टेक एंड फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। 37 38 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 38 नंबर क्वेश्चन है प्रोबायोटिक्स के बारे में। प्रोबायोटिक्स कुछ होते हैं बैक्टीरिया वगैरह चीज़ जो अपने बॉडी में भी कई जगह पाए जाते हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है प्रोबायोटिक्स के ऊपर, ये डाइजेशन में कई बार हेल्प करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह क्वेश्चन है। तो अगर आपको प्रोबायोटिक्स में पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। साइंस इन डेली लाइफ का क्वेश्चन है, आई विल कंसिडर दम ईजी टू मीडियम, मीडियम पर ज़्यादा इंक्लाइंड है एंड इट इज़ फैक्चुअल। ठीक है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन है 38 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन COVID-19 करंट अफेयर से ज़्यादा इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, इसमें पूछा है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के कंटेक्स्ट में कुछ सवाल पूछे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स दिए हमें। तो करंट अफेयर्स फर्स्ट, करंट डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक एंड अवेयरनेस। अवेयरनेस का सवाल है तो आप फैक्चुअली बोल सकते हो, थोड़ा सा मोर लाइक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस का सवाल है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? सोलर स्टॉर्म के बारे में पूछा है। सोलर स्टॉर्म अब साइंस रिलेटेड बात है, ज्योग्राफी में थोड़ा पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक में थोड़ा पढ़ते हैं, पर साइंस एंड टेक वाला की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। आपने कभी सुना होगा कोरोनल मास इंजेक्शन के बारे में सुना होगा, सर सोलर फ्लेयर्स के बारे में सुना होगा, ऑरोरा बोरियालिस के बारे में सुना होगा। अब ये सब जो सोलर सन से जो फ्लेयर्स निकलते हैं ना, ये क्या करते हैं? अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। ये इतना सा कंटेक्स्ट आप ध्यान रखोगे तो आपको क्वेश्चन में कुछ सेंस बन जाएगा। पर ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक का है, इसको हम लोग बोलेंगे फैक्चुअल एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड ईजी टू मीडियम मान लीजिए इसको। ठीक है, ईजी का ज़्यादा ग्रैंड है, बस सिर्फ ये देखिए 7 ऑप्शन दिए हैं, इसे थोड़ा मीडियम बन जाता है बिकॉज टाइम टेकिंग है, और सिंस टाइम सवाल है तो ये थोड़ा मीडियम उस वजह से जा रहा है। ठीक है ना, देन 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की बात चल रही है, यहाँ पे एमिशन रिडक्शन का प्लेज के ऊपर जो कंट्रीज ने लिया था उसके ऊपर क्वेश्चन है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर से कुछ टूल है तो डेटा वेटा कुछ कलेक्ट हो रहा होगा, तो आइडियली इसका आंसर ए डेटा बेस वाला होना चाहिए, क्योंकि विंग तो मैंने ऐसा हो गया जैसे कोई डिपार्टमेंट है IPCC का, IPCC रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर भी होना ज़्यादा चांसेस कम लग रहा है। कमेटी हो सकता है पर ये ट्रैकर है, कोई कमेटी का डिस्कशन नहीं हो रहा है, कोई वर्क नहीं है ये, तो कमेटी का होना चांसेस कम है, एजेंसी होने का चांस कम है, तो ए मोस्ट सुटेबल लग रहा है लॉजिकली। ठीक है ना, अब देखिए ये कुछ कुछ कीवर्ड्स हम समझ पाए हैं कि ये ए आंसर हो रहा है, तो हो सकता है ये आंसर हम लोग गलत हो जाए, पर इस तरह से अगर हम सोच पा रहे हैं तो हम लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो? ऐसा एग्जाम आपको जरूरत पड़ेगा। तो ये 41 नंबर क्वेश्चन है मेनली, ये अब मान लीजिए एनवायरनमेंट का सवाल है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला भी पार्ट थोड़ा सा इन्वॉल्व है, फैक्चुअल है एंड यू कैन कंसिडर टू ईजी टू मीडियम। ठीक है ना, 42 नंबर क्वेश्चन क्लाइमेट ग्रुप, अभी देखिए सीधा 5 स्टेटमेंट दे दिया है, ये 5 स्टेटमेंट दे दिया इसका मतलब इसको कंटेक्स्ट भी नहीं दिया, सिर्फ 5 स्टेटमेंट कंसिडर करने बोल दिया, बोल दिया कौन सा सही है, तो 5 को इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा, कोई भी सही कोई भी गलत हो सकता है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन मीडियम क्लासिफाई होता है,
डिफिकल्ट भी हो सकता है। इसमें सब कुछ भी नहीं पता ना, तो आपके लिए क्वेश्चन पांच ऑप्शन को एडमिट करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए, इसमें कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन का बात किया गया, कुछ ग्रुपिंग्स का बात की गई है, क्लाइमेट ग्रुप, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये कुछ रिपोर्ट्स निकालती है, EP 100, तो ये सब आपको समझना है। और Under 2 Coalition, ये अगर वो पता है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, वरना डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए इसको मीडियम क्लासीफाई करूँगा मैं 42 नंबर क्वेश्चन को। 43 नंबर क्वेश्चन क्या, रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का बात कर रहा है, तो इनको लंग्स ऑफ अर्थ बोला जाता है ऑब्वियस रीजन की वजह से। वेटलैंड्स को इस तरह किडनी बोला जाता है। तो अब आपको बताना है कि ये क्यों किडनी बोला जाता है, ऐसा क्या ऐसा फीचर है जिससे आप बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है वेटलैंड की प्रॉपर्टी को। अब किडनी का प्रॉपर्टी क्या वो समझ लीजिए, वेटलैंड का फंक्शन क्या वो समझ लीजिए। वेटलैंड जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है चीज़ों को, ठीक है ना, पॉल्यूशन को भी, एंड उसके संग संग वो वाटर भी, एक्सेस वाटर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। और तो किडनी इसके तरह कैसे फंक्शन करता है, किडनी का फंक्शन क्या होता है, फिल्टर आउट करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो वैसा जो भी रिलेटेड पॉइंट्स है आपको 4 ऑप्शन में से निकालना है और टिक करना है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट का कॉम्बिनेशन, ईजी टू मीडियम क्वेश्चन है, ठीक है ना, ईजी से ज़्यादा इंग्लैंड है। 44 नंबर क्वेश्चन है, WHO के एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के बारे में बात कर रहा है। अब WHO है, WHO क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ रिलेटेड काम करती है, एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है। एयर क्वालिटी गाइडलाइंस माने क्या हो गया, ऑब्वियसली ऐसी गाइडलाइंस होगी ना जो एयर को बेटर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए रखी गए। तो जितने भी पार्टिकुलेट मैटर्स या फिर जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको कम करने के ऊपर गाइडलाइंस होगा, ठीक है। तो अब ये सारे ऑप्शंस हैं, सिंस ये ऑप्शन में कुछ को टेक्निकल टर्म यूज़ किया गया तो हो सकता है आपको समझने में डिफिकल्टी हो। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ईजी है, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट होता है कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है अगर आपको इस टर्म्स के बारे में नहीं पता, तो इसलिए इसको ईजी टू मीडियम क्लासीफाई करूँगा। फैक्चुअल है और इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन वाला सवाल है, ठीक है। 45 पे आते हैं, 45 नंबर स्टेटमेंट क्या है, गुची कुछ दिया है न्यूज़ में, करंट अफेयर्स इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, गुची कुछ वर्ड इसका हमें नहीं पता, पर ऑप्शन देखिए हमें लग रहा है कि साइंस और थोड़ा सा इन्वायरमेंट से रिलेटेड वाला सवाल है, ठीक है, कुछ ज्योग्राफी से भी जुड़ सकता है, अगर साइंस और इन्वायरमेंट से जुड़ा सवाल लग रहा है। अब 2 और 3 ऑप्शन देख के लगता है कि यार अगर फॉरेस्ट में ग्रो कर रहा है तो उसको कमर्शियली कल्टीवेट क्यों करेंगे, ठीक है ना, तो चांसेस कम है, ठीक है, 2 और 3 7 महीने में चांसेस कम है अगर लॉजिकल गेसिंग करने में जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें गुची से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, बहुत ही हाईली इम्पॉसिबल है कि ऐसा कुछ आप पता हो, आपको पता है तो बहुत ही अविश्वसनीय बात है, लकी हो आप। तो 2 और 3 में से हम लोग लॉजिकल गेस कर रहे हैं कि 2 और 3 में से एक होना चाहिए, तो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब 3 ऑप्शन बचा, अब 2 और 3 में से अगर हमें कौन सा ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, तो कॉमर्शियली कल्टीवेट होते तो गुची का दबाव हमने कम सुना है और न्यूज़ में है तो फॉरेस्ट में ग्रो होने चांसेस भी कम है, तो 3 हमको ज़्यादा से लग रहा है, तो आई विल गो विद बी अगर हमें गेस लेना। तो पर आइडियली ऐसे क्वेश्चन को मैं स्किप करूँगा जहाँ हमें 3 में से 1 चूज़ करना है, और स्पेशली अगर अभी भी नहीं तो मैं सेकंड राउंड में इसको फोकस करूँगा, फर्स्ट राउंड में मैं इसको स्किप ही करूँगा, ठीक है ना, आई विल गो अहेड। 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विथ रेफरेंस टू पॉलीथीन टेरेथलेट, PET बोलते हैं जिसको, जो मैक्सिमम कोक का बॉटल जो होता है या कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल होते हैं, कुछ कुछ कंटेनर होते हैं जो PET से बनते हैं, अपने रेगुलर लाइफ में काफ़ी यूज़ आता है, जैसे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है, ठीक है ना, PET, तो उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज का पूछा है, अगर आपको पता है तो पता है, तो ये वैसे ईजी टू मीडियम सवाल है। तो अगर आपको इतना ही पता है कि PET जैसे मैंने समझाया जो उतना भी आपको पता, तो आई होप आप 2-3 ऑप्शन समझ पाओगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन में 2-2 ऑप्शन ही है, तो आपने अगर 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ इट, तो इसको ईजी टू मीडियम बोलेंगे 46 नंबर क्वेश्चन को। 47 नंबर, 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को जरूर पढ़ना चाहिए और डिसाइड उसी टाइम कर लेना चाहिए, क्वेश्चन मैं करूँगा कि नहीं करूँगा, करूँगी कि नहीं करूँगी, सिंपल वहीं पर डिसाइड कर लेना है कि अब, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में टाइम कितना कम लगा सोचिए आप, अगर आपको आता तो 15-20 सेकंड में आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। मुझे तो फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, सीधा सा बात है, नाइट जार बिल देख के लग रहा है कि बर्ड के नाम है, तो मैं होता तो वहाँ से गेस मार के निकल जाता, मैं ये रिस्क लेने को तैयार था, 50% चांसेस है, इसलिए मैं गेस लेके निकल जाता, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट का सवाल है और फैक्चुअल क्वेश्चन है, ईजी टू मीडियम बोलूँगा, ईजी इसलिए भी टाइम नहीं खा रहा है, अगर नहीं भी आता तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद फॉलोइंग का नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, अब नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स के बारे में पूछ रहा है। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग माने कुछ एक प्रोसेस है इन्वायरमेंट का, इकोसिस्टम का प्रोसेस है। अब ये क्या कर, नाइट्रोजन फिक्सिंग का मतलब क्या हुआ, ऐसे प्लांट्स या स्पीशीज, यहाँ प्लांट्स का बात किया है जो सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपने अगर नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था आपको उसमें कुछ कुछ नाम पता होगा, बिजली एलिमिनेट कर सकते हो, अगर नहीं पढ़ा तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन ईजी मीडियम बोलूंगा मैं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑप्शन ज़्यादा, एलिमिनेशन करने की ज़्यादा चीज़ है, इसलिए मीडियम को ज़्यादा इंक्लाइन में मानूंगा, ठीक है ना। 48 एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का सवाल है, ठीक है। 49 बायरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में बोला गया है, इक्की सिचुएशन में इसके बारे में बात होता है। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ कोरल का बात लिखा है, कोरल यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है। प्लांट रेसिड्यू का बात है यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेल गैस का कंटेक्स्ट में पूछा गया या फिर आप प्रोटेक्टेड एरिया कंसर्न पूछा गया, तो मैं से पूछो तो ऐसा टेक्नोलॉजी बायरॉक वाला कोरल रीफ में बात होना चाहिए, ठीक है। तो कोरल रीफ जो है जनरली न्यूज़ में रहता है और वो रिलेवेंट भी हमें स्टडी के लिए, बाकी तीनों के बारे में खाली शेल गैस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, और प्रायोरिटी वाइज देखो तो कोरल, देन शेल गैस, देन फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, और बायोटेक्नोलॉजी हम लोग जनरली कोरल के टर्म में यूज करने ज़्यादा चांसेस है, इट्स अ गेस थिंग,
तो वैसे आप देखा जाए तो ये साइंस एंड टेक का सवाल है, इन्वायरमेंट का सवाल मिक्स है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का सवाल है एंड सम कंसेप्चुअलिटी इज देयर, ठीक है ना। तो इसको मैं मीडियम की तरह ज़्यादा इंक्लाइन करूँगा, वैसे इजी टू मीडियम ये क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन, मियावाकी मेथड, देखिए कोई फार्मिंग टेक्निक लग रहा है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन में देखिए ये फार्मिंग है, कमर्शियल फार्मिंग का बात चल रहा है, गार्डन का बात चल रहा है, या मिनी फॉरेस्ट का बात चल रहा है, विंड एनर्जी का बात कर रहा है चल रहा है। तो भले ही हम लोग गलत हो जाए पर इतना श्योर है कि डी तो नहीं होना चाहिए और सी भी नहीं होना चाहिए। ए और बी में कन्फ्यूजन है, बी ज़्यादा गार्डन की तरफ इंक्लाइंड है, ए ज़्यादा फार्मिंग की तरफ इंक्लाइंड है। अगर मैं होता तो ए गेस लेकर निकल जाता इस क्वेश्चन में। तो इट इज़ मोर अबाउट एग्रीकल्चर एनवायरमेंट का मिक्स, मियावाकी मेथड एक फैक्चुअल चीज़ है, अगर आपको पता है तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो एंड इट इज़ ईजी टू मीडियम क्वेश्चन, ठीक है ना। मीडियम की तो ज़्यादा मानूंगा इसको मैं, क्योंकि मियावाकी मेथड बॉलिंग को शायद नहीं पता होगा और ये लॉजिकल शायद कोई नहीं लगा पाया, ठीक है ना। 51 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं, इंडियन हिस्ट्री का सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का बात किया जा रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, ठीक है। तो इसमें आपको रिजर्व माने ब्रिटिशर ने क्या किया था, कुछ सब्जेक्ट रिजर्व रख लिए थे जो कि वायसराय के कंट्रोल में रहेंगे, कुछ ट्रांसफर कर दिए थे माने प्रोविंशियल गवर्नमेंट में गवर्नर के पास रहेंगे और कुछ ट्रांसफर कर दिए थे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास रहेंगे, ठीक है ना। तो डायगेसी मुजगर कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में ब्रिटिशर वही चाहेगा ना कि वही पावर वो रिजर्व करे जो उनके लिए उनको ज़्यादा बेनिफिट दे, अथॉरिटी उनको दे, और ट्रांसफर वो पावर करे जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो, जिन लोगों को जवाबदारी देना वो ट्रांसफर कर देंगे। तो इससे आप लॉजिकली एलिमिनेट करें कि अगर क्वेश्चन कर पाए तो आप कुछ भी एलिमिनेट कर लेंगे, जैसे आपने देखा मैंने कुछ हाईलाइट किया है तो आप भी पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो उसको लॉजिकल एलिमिनेशन से, ठीक है ना। बस एक इंडियन हिस्ट्री का सवाल है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सवाल है एंड वी विल क्लासीफाई इट एज ईजी टू मीडियम, ठीक है ना, कॉमन सेंस से सॉल्व किया जा सकता है। 52 नंबर सवाल है मिडिवल इंडिया का, मिडिवल हिस्ट्री का, फनम वर्ड, डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्लियर बात है, अगर आपको पता है तो पता, वरना फनम वर्ड का मतलब आप इन चारों से जोड़ो हाईली इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, सीधा फैक्चुअल सवाल है। 53 नंबर क्वेश्चन, फ्रीडम फाइटर्स का बारे में पूछा गया, 3 फ्रीडम फाइटर का नाम दिया गया, कौन एक्टिवली गदर पार्टी से एसोसिएट थे। गदर पार्टी के नाम से आपको राजबेरी बोस याद आ जाएगा जरूर से, थ्री आंसर इसका होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप कन्फ्यूज होते हो सी आई डी में तो बरिंद्र कुमार घोष का नाम आपको शायद याद ना हो, याद भी हो तो कन्फ्यूज हो रहे हो, तो वो एक चैलेंज है। तो फ्रीडम फाइटर के ऊपर सवाल है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट का क्वेश्चन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, आई विल मार्क दम ईजी एंड इट इज स्ट्रक्चरल क्वेश्चन, ठीक है ना। 54 नंबर क्वेश्चन, क्रिप्स क्वेश्चन के बारे में बोला गया, वही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बात है, आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट या उसी के टाइम पे, जब उसके पहले ब्रिटिशर ने कई सारे प्रपोजल और उसके बाद भी ब्रिटिशर ने कई सारे प्रपोजल और प्लान्स भेजे इंडिया को ताकि इंडिया वर्ल्ड वॉर 2 में पहले शामिल हो जाए और फिर सेकंड वो डिले कर पाए इंडिया को इंडिपेंडेंस देना, ठीक है ना। तो उस केस में ये सब सारे मिशन और पॉलिसीज ब्रिटिशर के चले तो उनकी कुछ प्रोविजन दिए हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको पता है तो इजीली मार्क कर लेंगे, वरना सोच के एक भी पता तो एलिमिनेट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है ना। तो आप उसको अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो ही स्किप कीजिएगा, सेकंड राउंड में कीजिएगा, वरना इसको अटेम्प्ट करके चलिए, इसमें रिस्क लेना बनता है, ठीक है ना, क्योंकि तो आपने पढ़ा रहता है सब चीज़, तो आपका माइंड जो बोलेगा वो लगभग सही होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है ना। 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया इंडियन हिस्ट्री के बारे में ही है, अभी जेना टेक्स्ट बोला मैंने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की बात चल रहा है, ठीक है ना। अब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जेना टेक्स्ट कुछ भी हो सकते हैं, चारों का नाम अगर नहीं पढ़ो तो आपको लगता है कि दूर से देख के लगता है कि ये तो कम ही पता होगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को पहली बार में स्किप कर सकते हो और सेकंड बार में भी आओ तो अगर आपको एक दो नाम भी समझ में आ रहा है तो आप एलिमिनेट कीजिएगा और अटेम्प्ट कीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें रॉन्ग होने की संभावना ज़्यादा है। आप उसे 3-3 ऑप्शन दिया है, एक भी अगर आप एलिमिनेट कर पाओ तो ही बात बनेगा, ठीक है, अदरवाइज चांसेस कम है करेक्ट करने का। ऑप्शन का अच्छा दिया है तो आपको रिस्क कम होगा, पर ये स्टेटमेंट जो है ये गैम्बल है, ठीक है ना। 55 नंबर क्वेश्चन होता है, 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन में क्या बता रहा है, विद रिफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री का सवाल है, हिस्टोरिकल पर्सन के नाम दिए हैं उनको कैसे जाना जाता है वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का सवाल है, नाथ मुनि आपको पता होगा, आर्य देव और दिग्नांग में आप कन्फ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इजी टू मीडियम सवाल है और सिंस ये ऑप्शन भी ऐसा है तो इसलिए इसको मैं मीडियम की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड मानूंगा, ठीक है ना। फैक्चुअल क्वेश्चन 56 नंबर। 57 नंबर इंडियन हिस्ट्री का सवाल है, मंगोल इन्वेशन, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का सवाल है, सिंस आप अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी मंगोल तुगलक का बात कर रहे हो, सब दिल्ली सल्तनत के अलग अलग पीरियड्स है, अलग अलग रूलिंग डायनेस्टी है, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का सवाल है, फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आपको पता तो इजीली कर सकते हो, वैसे मैं इसको इजी टू मीडियम क्लासिफाई करूँगा, बिल्कुल ये सब फैक्ट्स लोगों को याद होते हैं, ठीक है ना। मंगोल वाला तो बिल्कुल याद होता है, मोहम्मद बिन तुगलक भी साउथ आ गया था तो उनको अपना बेस बनाना था, तो ये भी लोग कर सकते हैं एलिमिनेशन से, ठीक है ना। 57 नंबर क्वेश्चन इजी टू मीडियम, इजी की तरह इंग्लैंड है, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री में कूला धरन के बारे में पूछ रहा है, ऑब्वियसली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का टाइम का सवाल है ये, और इसके बारे में कूला धरन ऐसा टर्म है जैसे फना हम लोग पढ़ रहे थे, वैसा ही क्वेश्चन वैसा ही टर्म है, इसके बारे में या तो पता है तो नहीं पता है, इसको इजी टू मीडियम क्लासीफाई करूँगा, वैसे मीडियम तो ज़्यादा है, डिफिकल्ट भी बोल सकते हो उसको आप, ये सब क्वेश्चन अगर नहीं पता तुरंत रिसीव करके आगे बढ़िए, इसमें टाइम वेस्ट होने का फायदा नहीं है, ठीक है ना। 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो वील सी कि इट्स, हम लोग इंडियन हिस्ट्री का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली
यहाँ पे डच दिया हुआ है, अल्फोंसो दिया हुआ, फ्रांस फ्रेंच थे ये, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में दिया। तो इस बेसिकली यूरोपियन पावर जब इंडिया में आए थे 15 सेंचुरी और 16 सेंचुरी, 16 सेंचुरी 17 सेंचुरी के टाइम का बात चल रहा है। तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सवाल है, आप एलिमिनेट कर सकते हो इसमें एक दो कुछ स्टेटमेंट तो बहुत ईजी दिख रहा है मुझे, तो ईजिली ये क्वेश्चन होना चाहिए, वैसे ईजी टू मीडियम में तक क्लासीफाई करूँगा एंड बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन यू कैन कीप इट आइदर वे। तो ये मैं तो ईजी रेगुलर मानता है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। 59 नंबर, 60 नंबर क्वेश्चन जो कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में, ये क्वेश्चन देखिए इसमें क्या क्या पूछा है, जुडिशियल पनिशमेंट के बारे में, फीमेल स्लेव के बारे में पूछा है। अब कौटिल्य अर्थशास्त्र में जुडिशियल पनिशमेंट और फीमेल स्लेव कहाँ लिखा वो क्या ही पता, ठीक है ना। तो वैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट क्लासीफाइड है, पर आप इसमें अगर चाहो तो अगर आपको थोड़ा पता है कौटिल्य कौन थे, किस राजा के पीरियड में थे, उनके क्या प्रिंसिपल्स थे, तो आप एक गेस ले सकते हो, ठीक है। और ये लास्ट प्रायरिटी में रखिएगा इसको, फर्स्ट एग्जाम में सी पी करना लॉजिकल सेंस बनाता है, ठीक है ना, थोड़ा डर लगता रहेगा आपको। 61 नंबर क्वेश्चन जो है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा, इकोनॉमी का सवाल है, क्लियर कट दिख रहा है। अब कैसे इंडियन करेंसी कैसे दूसरे इंडियन इकोनॉमी दूसरे इकोनॉमी कैसे इंटर रिलेटेड है, उस कॉन्सेप्ट पे सवाल है, ठीक है। अब बोरिंग का सवाल भी है, इन्वेस्टमेंट का सवाल भी है, कैपिटल फ्लाइट क्या होता है, अब क्या क्या होता है, फॉरेन कंट्री से कुछ इन्वेस्टर्स जो होते हैं एफ टी आई के थ्रू अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, पर ये मनी कुछ ऐसा कैपिटल मनी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, ठीक है, ये कभी भी निकल सकता है, उसको हॉट मनी भी कहा जाता है। अगर यूएस फेडरल रिजर्व अपना मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन करता है या लूजन करता है, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि वो जो इन्वेस्टर्स है वो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगे या पैसा निकाल के यूएस में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट पे सवाल है, उस एनालॉजी पे सवाल है, उस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे सवाल है, ठीक है। तो इकोनॉमी का एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का सवाल है, प्लस कुछ कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन वाला पार्ट भी आता है, कैपिटल फ्लाइट क्या होता है, ईसीबी क्या होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या है, एक मेथड है जिससे इंडियन बिजनेसमैन फॉरेन कंट्री से उनके करेंसी में एक्सटर्नली पैसा बोरो करते हैं फॉर देयर बिजनेस पर्पसेस, ठीक है, और उनको चुकाना फॉरेन करेंसी में पड़ता है, इसका लिमिटेशन भी है। डिवेल्यूशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज, ये फैक्ट्स है, ये सब मैंने स्टेटमेंट्स है, ट्रेंड या फिर कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस पे आप देख सकते हो कैसे चीज़ें एक दूसरे को डिपेंड इंपैक्ट करती है। उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल है, तो इसको ईजी टू मीडियम क्लासीफाई करूँगा। वैसे तो मेरे को ईजी लग रहा है दो स्टेटमेंट, पर आप इसको मीडियम भी मान सकते हो, इकोनॉमी का कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन जो है ये ज्योग्राफी मैपिंग और टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, टी एक क्रॉप है, तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी वाला पार्ट भी थोड़ा आ गया है। और ये चार ऐसे स्टेट का नाम दिया जहाँ जो टी के लिए आपको पॉपुलरली सुनते नहीं है, पॉपुलरली टी के लिए कौन सा स्टेट का नाम सुनते हो, आसाम या दार्जिलिंग टी, वेस्ट बंगाल में, दोनों का नाम इसमें नहीं है, तो आपको गेसिंग से करना पड़ेगा या तो आपको पता है। तो ये क्वेश्चन मैं इसको इजी टू मीडियम क्लासीफाई करूँगा, और ऑप्शन भी ऐसा विचित्र दिया है, 1 सही 2 सही या 4 सही 3 या 4 सही, तो इसलिए इसको मीडियम क्लासीफाई करना कोई बुरा एंगल नहीं है, तो इसे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अब 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का बात चल रहा है, ठीक है। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में इसमें 3-4 स्टेटमेंट दिए हैं, एक ये दिए भी रेगुलेट कौन करता है, इकरा के बारे में कुछ पूछा है, और बोला बिग वर्थ रेटिंग एजेंसी जो है वो इंडियन है कि फॉरेनर है, ठीक है। अब ये फैक्ट्स है, अगर आपको ये पता है तो पता है, तो वैसे ये क्वेश्चन अगर 3 ही स्टेटमेंट है इसलिए इसको ईजी टू मीडियम क्लासीफाई करूंगा, इकोनॉमी का सवाल है, बट ये फैक्चुअल है, तो इट यू कैन ऑल्सो कीप इट इन द मीडियम कैटेगरी, क्योंकि हो सकता है लोगों को आइटम पता ना हो, ये सब नाम पता ना हो, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो का बात है, बैंक बोर्ड ब्यूरो अपॉइंटमेंट करती है पब्लिक सेक्टर बैंक में हायर हेड्स मैंने हायर एग्जीक्यूटिव को, तो ये तो बी तो सही है, 2 तो सही है ही, और फिर आप बाकी दो स्टेटमेंट देख सकते हैं, तो ये इजी टू मीडियम कैटेगराइज करना होगा, वैसे ईजी सवाल है ये, बैंक बोर्ड ब्यूरो के ऊपर इकोनॉमी का सवाल है, एंड यू कैन कीप इट ईजी, ठीक है ना, फैक्चुअल बोलूँगा। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के ऊपर, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, वैसे बॉन्ड जिन्हें आप शेयर में कन्वर्ट कर सको, ठीक है ना, जैसे वो बॉन्ड मैच्योर हुए तो आपका दो ऑप्शन रहता है, या तो बॉन्ड का पैसा ले लिए या फिर स्टॉक में कन्वर्ट कर लिए। अब बॉन्ड्स जो होते हैं जो कंपनी देती है तो वो कंपनी आपसे डेप्ट ले रही है, ठीक है, पर अगर स्टॉक आप किसी कंपनी का लेते हो तो उसको पार्टनर बन जाते हो, तो ये डिफरेंस है बॉन्ड और शेयर लेने में, इक्विटी और डेट फाइनेंसिंग में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझना पड़ेगा, अब कन्वर्टेबल बॉन्ड है, आपको सुन के लग रहा होगा कि ऑब्वियसली कन्वर्टेबल बॉन्ड है तो अब ये अच्छी चीज़ है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, डिजायरेबल होना चाहिए, डिजायरेबल है तो आपको ही डिजायरेबल है, तो जो कंपनी उसको इशू कर रही है वो क्या चाहेगी, डिजायरेबल है तो लोग मैक्सिमम इंटरेस्टेड होंगे, तो कंपनी को कम एफर्ट लगेगा, तो उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है, माने जो वो बॉन्ड जो लेना चाहते हैं वो सेफ है, एक तरह से लोग मानते हैं कि चलो अगर बॉन्ड में हम रिटर्न भी नहीं मिला तो हम स्टेक होल्डर में कन्वर्ट करा देंगे उसको, ठीक है ना, पार्टनर बन जाएंगे तो हमें कंपनी का डिविडेंड मिलेगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, हम इन्वेस्टर बन गए कंपनी के अंदर, ठीक है ना, तो डिजायरेबल है इसलिए इसका इंटरेस्ट रेट कंपनियाँ कम ही देती है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें डिजायरेबल है, जैसे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत सेफेस्ट बैंक अपने कंट्री के अंदर, तो वहाँ पे आप डिपॉजिट करने जाओ, वहाँ का इंटरेस्ट सबसे कम है, और यही आप जाना बैंक में चले जाइए जो कि अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 20-30 साल पुराना बैंक है, उसको सेफ्टी सिक्योरिटी का लोगों को डर है कि बैंक अब बंद हो जाए क्या पता, उसका इंटरेस्ट रेट हाइस्ट है, वो लोग चाहती है लोग उसमें इन्वेस्ट करें या सेविंग करें,
तो इसलिए वो हाई इंटरेस्ट रेट दे रही है, तो उस एंगल का बात है इसमें, ठीक है। फिर ये सेकंड थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हैं लॉजिक से, कन्वर्टिबल बॉन्ड के हिसाब से, तो कॉन्सेप्चुअल है, इकोनॉमी का सवाल है एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड इट इज ईजी टू मीडियम, ठीक है ना। 65 नंबर, 66 नंबर जो सवाल है, इंडिया इंडिया पूछ रहा है इसका मेंबर है कि नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो रिजाइम है, तो जो इंडिया को हेल्प करेगा कि इंडिया मिसाइल जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाना चाह रही है तो उसको ये रोकता है, पर इसका इंडिया इसका मेंबर बन चुका है ऑब्वियसली, तो इंडिया वैसे तीनों का मेंबर है जो मुझे पता है, फैक्ट इजीली गिवन है, तो ये इजी है एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है एंड फैक्चुअल है, तो ये सर क्लासिफिकेशन था 66 नंबर, ठीक है ना। अब देखिए कि वैसे मैं आंसर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पर ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि ऐसे डिस्कशन में भी इसका आंसर क्लियरली पता है, ठीक है ना, तो उस केस में मैं बता दिया। 67 नंबर, पांच स्टेटमेंट वियतनाम के ऊपर दिया गया, इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल है। अब देखिए ये पांच स्टेटमेंट ये देख के समझ आइए मीडियम सवाल है, अगर उसमें कंटेक्स्ट दिया नहीं है पूछ दिया क्या करेक्ट है, पाँच स्टेटमेंट आपको दो भी नहीं पता तो आप डिफिकल्ट में फंस जाओगे, ठीक है ना। ऐसे इसका ऑप्शन थोड़ा बेटर है, दो भी आपको क्लियरली पता तो आप इसमें टिक लगा सकते हो, बट इस क्वेश्चन को मैं मीडियम क्लासीफाई करूँगा बिकॉज टाइम टेकन बाय इट, ठीक है ना। और इंटरनेशनल रिलेशन का इस तरह का सवाल लोग एक्सपेक्ट नहीं करते पेपर में आने का, ठीक है ना, एटलीस्ट प्रीलिम्स में, ठीक है। तो दोस्तों इस पार्ट में हमने भी 33 क्वेश्चन कवर कर लिया, लास्ट पार्ट में 34 क्वेश्चन कवर किया था, अब नेक्स्ट एक और पार्ट आएगा इसमें 68 नंबर क्वेश्चन से हम लोग 100 तक कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इस इनिशिएटिव का पार्ट बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ कमेंट्स करके बताएं कि आपको इसमें कुछ बेनिफिट लगा, कम लगा, अच्छा लगा, बेसी लगा, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ एनालिसिस जो हम पेपर का कर रहे हैं, और भी तरह से लोग कर सकते हैं, लोग आंसर डिस्कस भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर सकते हैं, और आपने देखा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या है, वेरी क्लियर, ठीक है ना। हम लोग पेपर को जस्ट एक ब्रॉड ओवरव्यू से देख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर यार कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने जाओ ना प्रीलिम्स पेपर का, तो बोलने को इतनी सारी चीज़ें मेरे पास है, तो मेरे को तो कम से कम 2-3 घंटा लग ही जाएगा उसमें, ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है ना। तो इतना बड़ा वीडियो देखना आपके लिए संभव है, मुझे बनाने के लिए भी एट अ गो इज वेरी डिफिकल्ट, सो आई ट्राई कि इस तरह से बनाएं ताकि उससे कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग हम लोग बन पाए और उस वीडियो को मैं इफेक्टिवली यूज़ कर पाए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन, बेस्ट विशेस, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।